कृषि कानून 2020। जी हाँ, ये वही कृषि कानून है जिसने भारत के किसानों को खेतों और घरों से निकालकर सड़कों पर ला खड़ा किया है। वही कृषि कानून जिसे एक तरफ सरकार किसानों के हित का बता रही है तो दूसरी तरफ किसान इसे उनके लिए जानलेवा बताते हैं। तो आइए जानते हैं कि दरअसल ये कृषि कानून है क्या। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया वायरल पर। वीडियो को जल्द से जल्द देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृषि और किसानों से जुड़े दो बिलों को लेकर किसानों के विरोध की गूंज संसद से सड़क तक सुनाई दे रही है। दोनों बिल लोकसभा में गुरुवार को पास हो गए। तो आइए आसान भाषा में जानते हैं कि क्या है इन बिलों में और क्यों बताए जा रहे हैं इन बिलों को किसानों को लेकर हानिकारक, क्या है इसके लाभ, उस पर भी एक नजर डालते हैं। पहले हम इस बिल के लाभों पर नजर डालते हैं। पॉइंट नंबर 1, राज्यों की कृषि उत्पादन विपणन समिति यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC के अधिकार बरकरार रहेंगे। इसलिए किसानों के पास सरकारी एजेंसियों का विकल्प खुला रहेगा। पॉइंट नंबर 2, नए बिल किसानों को इंटरेस्ट ट्रेड अंतरराज्यीय व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं। किसान अपने उत्पादों को दूसरे राज्य में स्वतंत्र रूप से बेच सकेंगे। पॉइंट नंबर 3, वर्तमान में APMCS की ओर से विभिन्न वस्तुओं पर 1% से 10% तक बाजार शुल्क लगता है, लेकिन अब राज्य के बाजारों के बाहर व्यापार पर कोई राज्य या केंद्रीय कर नहीं लगाया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, किसी APMC टैक्स या कोई लेवी और शुल्क आदि का भुगतान नहीं होगा, इसलिए कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। खरीदार और विक्रेता दोनों को लाभ मिलेगा। निजी कंपनियों और व्यापारियों की ओर से APMC टैक्स का भुगतान होगा, किसानों की ओर से नहीं। पॉइंट नंबर 5, किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध खेती के लिए प्राइवेट प्लेयर्स का एजेंसियों के साथ भी साझेदारी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग निजी एजेंसियों को उत्पाद खरीदने की अनुमति देगी। कॉन्ट्रैक्ट केवल उत्पाद के लिए होगा। निजी एजेंसियों को किसानों की भूमि के साथ कुछ भी करने की अनुमति नहीं होगी और ना ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अध्यादेश के तहत किसान की जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण होगा। पॉइंट नंबर 7, वर्तमान में किसान सरकार की ओर से निर्धारित दरों पर निर्भर हैं, लेकिन नए आदेश में किसान बड़े व्यापारियों और निर्यातकों के साथ जुड़ पाएंगे जो खेती को लाभदायक बनाएंगे। पॉइंट नंबर 8, प्रत्येक राज्य में कृषि और खरीद के लिए अलग अलग कानून हैं। एक समान केंद्रीय कानून सभी हितधारकों स्टेक होल्डर्स के लिए समानता का अवसर उपलब्ध कराएगा। पॉइंट नंबर 9, नए बिल कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करेंगे क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। निजी निवेश खेती की बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। पॉइंट नंबर 10, APMC प्रणाली के तहत केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारी जिसे आड़तिया बिचौलिया कहा जाता है को अनाज मंडियों में व्यापार करने की अनुमति थी, लेकिन नया विधेयक किसी को भी पैन नंबर के साथ व्यापार करने की अनुमति देता है। पॉइंट नंबर 11, इससे बिचौलियों का कंट्रोल टूट जाएगा जो पूरे भारत में एक अहम मुद्दा है। पॉइंट नंबर 12, नया बिल बाजार की अनिश्चितता के जोखिम को किसान से निजी एजेंसी और कंपनी की ओर ट्रांसफर करेगा। तो ये तो हुई कृषि कानून के लाभ। अब हम बात करते हैं क्या है इस कानून को लेकर आशंकाएं। पॉइंट नंबर 1, पंजाब और हरियाणा में वर्तमान समय में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी एजेंसियां किसानों का 100% गेहूं और चावल आदि खरीद कर उस पर MSP की सहूलियत देती है, लेकिन किसान संगठनों और विपक्षी पार्टियों को शक है कि निजी मंडियां खुल जाने से सरकारी एजेंसियों की प्रोक्योरमेंट काफी घट जाएगा।
बाकी उपज कौन खरीदेगा? इसका जवाब निजी एजेंसियां हैं, जो किसानों को निजी खरीद पर निर्भरता बढ़ाएगा। पॉइंट नंबर दो, चावल पंजाब और हरियाणा में केवल खरीद के लिए पैदा किया जाता है, क्योंकि यहाँ स्थानीय खपत बहुत कम है। भविष्य में चावल की पूरी उपज निजी खरीद पर निर्भर हो सकती है। पॉइंट नंबर तीन, किसान और किसान यूनियनों को डर है कि कॉरपोरेट्स कृषि क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर चार, किसान इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि बाजार कीमतें आमतौर पर एमएसपी कीमतों से ऊपर या समान नहीं होती। हर साल 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित होता है। पॉइंट नंबर पाँच, केंद्र में एमएसपी प्रणाली को जारी रखने का बेशक आश्वासन दिया होगा, लेकिन भविष्य में इसके चरणबद्ध ढंग से समाप्त होने की संभावना है। पॉइंट नंबर छः, विधेयकों को खाद्य पदार्थों के संग्रहण पर मौजूदा प्रतिबंधों को हटाने का इरादा दिखता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि बड़े प्लेयर्स और बड़े किसान जमाखोरी का सहारा लेंगे, जिससे छोटे किसानों को नुकसान होगा, जैसे कि प्याज की कीमतों में। पॉइंट नंबर सात, एपीएमसी के स्वामित्व वाले अनाज बाजार मंडियों को उन बिलों में शामिल नहीं किया गया है जो इन पारंपरिक बाजारों को एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में कमजोर करेंगे। पॉइंट नंबर आठ, राज्य राजस्व को खो देंगे जो बाजार शुल्क के रूप में एकत्र किया गया है, पुराने एपीएमसी सिस्टम के काम करने का तरीका। ये बात की हमने लाभ और आशंकाओं दोनों के बारे में। अब आइए जानते हैं क्या कहता है डेटा। 2015 में आई शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के मुताबिक 94% किसान पहले से ही निजी कंपनियों और व्यापारियों को अपने उत्पाद बेच रहे हैं। एपीएमसी मंडियों में केवल 6% किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में सरकारी खरीद एजेंसियों को अपने उत्पाद बेचते हैं, लेकिन उन पर 6% किसानों निजी कंपनियों और व्यापारियों को उत्पाद बेचने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत की सरकारी खरीद में पंजाब और हरियाणा का हिस्सा लगभग 90% है। शेष खरीद ज्यादातर मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में होती है, इसलिए अधिकतर राज्य पहले से ही खरीद योजनाओं से बाहर है। आमतौर पर किसान अपने स्थानीय अनाज बाजार में जाते हैं और अपनी उपज को बिचौलियों को बेच देते हैं, जिसे आड़ती कहा जाता है। किसानों को राज्य के बाहर अपनी उपज बेचने की अनुमति नहीं होती, और यदि वो ऐसा करते हैं तो उन्हें संबंधित राज्य यानी कि एपीएमसी को बाजार शुल्क का भुगतान करना होता है, जो कि 6% तक है। भारतीय खाद्य निगम FCI जैसी कुछ राज्य और केंद्रीय एजेंसियां जन वितरण प्रणाली PDS आदि के लिए तय MSP पर इन बिचौलियों के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद करती है। भले ही बाजार में कीमतें अधिक हों, किसानों को लाभ नहीं मिलता या उनकी कोई भूमिका नहीं होती। ये बिचौलिए खाद्यान्न के अलावा कृषि उपज भी खरीदते हैं और इसे थोक विक्रेताओं को ऊंचे दामों में बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। ये बिचौलिए अक्सर जरूरतमंदों किसानों को ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देकर मनी लैंडिंग रैकेट भी चलाना शुरू कर देते हैं। किसान अपनी जमीन गिरवी रखकर इन निजी साहूकारों से कर्ज लेते हैं। पंजाब में जितने किसानों ने खुदकुशी की, उनमें से अधिकतर के लिए जिम्मेदार इन बिचौलियों की ओर से चलाया जा रहा कर्ज देने वाला रैकेट ही है। तो मोटा मोटा निष्कर्ष हम ये निकालते हैं कि सरकार ने एक तरफ ये कृषि कानून लाकर किसानों को इन्हीं सब बिचौलियों से बचाने के लिए ये कानून बनाया है, तथा किसानों का एक और कदम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाया है। लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि कुछ बदलाव किसानों के हित से बाहर हैं, या तो वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। पर हम देश की जनता से ये अपील ज़रूर करेंगे कि किसी के भी बहकावे या भड़कावे में आकर सड़कों पर ना उतरें। पहले आप कानून को जानें, उसके लाभ और हानि दोनों पर निष्पक्ष चर्चा करें, तथा तभी अपनी राय
किसी भी चीज को लेकर बनाए। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।